हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। ममता तिवारी यूपी ब्लॉगर चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं, खाने में कोई ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा, वही डेली बेस का बनेगा। रायता, भिंडी की सब्जी, चावल, रोटी, दाल वगैरह हम नहीं बनाएंगे। और आप लोग बताना कमेंट में कैसे हो, और मेरा भी सपोर्ट करें। चलिए खाना बना के उसके बाद आपसे मिलते हैं। फटाफट से खाना बना लेते हैं, क्योंकि वैसे भी संडे का टाइम है, थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है, सारे काम सभी के घर में हो जाता है। तो बना के उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये देखिए, आज संडे का दिन है, देखते हैं ये आज अपलोड हो जाएगा ब्लॉग्स, देखते हैं क्या होता है। आज हो पाता है कि कल हो पाता है। तो उस आज हम भिंडी बनाने जा रहे हैं। भिंडी हमने अच्छे से धुल के कट कर लिया है। उसके बाद प्याज, मिर्च, इधर हम रायता भी बनाएंगे। रायता कद्दूकस करके हम लौकी रख लिए हैं। इधर हमने कढ़ाई रख दिया है, कढ़ाई हमारी गर्म हो जाएगी तब। इसमें हमने ऑयल भी डाल दिया है, हो गई थी कढ़ाई गर्म तो ऑयल डाल दिया है। इसके बाद हम जीरा ऐड कर देंगे। भिंडी की रेसिपी तो हम आपके साथ कई बार शेयर किए हैं। ये देखिए, इधर हमारी प्याज भी ऐड हो गई है। अब इसमें प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब इसमें हम भिंडी ऐड करेंगे। ये देखिए, हमने भिंडी ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से नीचे नमक इसमें ऐड करके इसको हमको ढक देना है लो फ्लेम से। इधर हमने ऑयल रख दिया और हमारा गर्म हो गया। इसमें जीरा ऐड कर देंगे। दूसरी कढ़ाई में हम लौकी भी फ्राई कर लेते हैं रायता के लिए। ये देखिए, लौकी भी हमने फ्राई कर दिया है कद्दूकस की। अब इसको ढक देते हैं। इसमें नमक भी ऐड कर दिया है लो फ्लेम पर, इसको पका लेंगे। देखिए, भिंडी हमारी पक रही है और इसको लो फ्लेम पर कर दिए हैं, पक रही है। इसको ढक देते हैं। इधर हमारा लौकी भी पक रहा है, अब पक जाएगा तभी दिखाएंगे आप लोगों को। थोड़ा सा काला नमक ऐड कर दिया है, थोड़ी सी मिर्च, आधा टमाटर, एक छोटा प्याज, नींबू भी ऐड कर दिया है। थोड़ा सा खाने वाला वाइट नमक भी ऐड करेंगे इसमें नाश्ते के लिए। ये देखिए, हमने सारी चीज़ कट करके मिक्स कर दिया है। आइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए सुबह सुबह, यही खा लेते हैं हम लोग। और भी कभी कभी कुछ नाश्ता हो जाता है। ये देखिए, इसमें हमने काला नमक, वाइट नमक, दोनों नमक को ऐड कर दिया है। इधर हमने लौकी को जो फ्राई किया था, लौकी हमारी ठंडी हो गई है तब इसमें हम ऐड कर। रायता आप कभी भी बना रहे हो, वैसे भी तो सबको मालूम होगा ही, लेकिन एक बार हम बता भी देते हैं कि लौकी आप जब भी रायता बना रहे हो उसको पहले बन जाए, आपकी लौकी पक जाए तो उसको निकाल के रख दीजिए थाली में, थोड़ा सा ठंडी हो जाए तब आप दही में ऐड करिए, तो वो दही आपका फटता नहीं है और रायता खाने में टेस्टी भी बहुत होता है। ये देखिए, हमने लौकी भी ऐड कर दिया है, काला नमक, सॉरी जीरा पीस के रखा था उसको भी ऐड कर दिया है। अब इसको हम सब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, रायता हमारा बनके रेडी हो गया। इसमें हम थोड़ा सा काली सरसों जो होती है उसका तड़का भी लगा दिए हैं। आप लौकी को फ्राई कर रहे हो तो उसके साथ भी कर सकते हो। ऑयल आपका गर्म हो जाए उसमें काली सरसों ऐड कर दीजिए, जैसे आप जीरा, लेकिन हमने याद मेरे दिमाग से निकल गया तो हमने नहीं ऐड किया, तो हमने ऊपर से तड़का लगा दिया है। रायता बनके रेडी हो गया है हमारा। ये देखिए, रायता, भिंडी की सब्जी, चावल, रोटी, आज हमने यही बनाया है। सिंपल था क्योंकि दाल वगैरह खाने का बिल्कुल इच्छा नहीं था। शाम को थोड़ा हैवी खाना हो गया था इसीलिए। इधर सलाद, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।